तो गाइस जैसे कि हम सब लड़कों को अपनी फेवरेट चीज़ अपनी हमारी हेयर होती है, हमको बहुत प्यार होता है हमारे हेयर से। अगर वो झड़ने लगते हैं या फिर गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो हमको बहुत दुख लगता है। तो गाइस आप अगर अभी से कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तो भाई आपके सर में कोई भी बाल नहीं रहेंगे। तो गाइस मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें आज बता दूंगा जिससे कि आपके बाल बहुत दिनों तक जा सकते हैं अगर आप उसको ठीक से केयर करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर वन पे आता है रब हेयर आफ्टर बाथ। देखिए आप जब नहा के आते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने मतलब कि बालों को जोर जोर से अपने टॉवल या फिर जो भी आपके पास सुखाने के लिए कपड़ा है उससे रगड़ने लगते हो। तो उससे क्या होता है, आपके बाल तब नहाते वक्त बहुत ही मतलब कि नाजुक हो जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं बीच से। अगर मतलब टूट जाए तो वहाँ से उग नहीं सकते, तो वैसे ही आपके बाल कम दिखते हैं। तो आप टॉवल को हमेशा धीरे धीरे ही जस्ट रब करें, ज़्यादा ज़ोर से रब ना करें, बस ऊपर लगा दे तो वो सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो नंबर टू पे आता है, देखिए 2-in-1 प्रोडक्ट्स या फिर 3-in-1 भी हो सकता है वो प्रोडक्ट्स। आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि बहुत कम पैसे में ज़्यादा मतलब कि शैम्पू कंडीशनर या फिर मतलब कि कुछ भी सीरम या फिर मिक्स जो होता है, कोई सा भी 2-in-1 जो प्रोडक्ट होता है वो आपके हेयर के लिए शायद हार्मफुल हो सकता है क्योंकि वो आप पे सूट ना करे। तो गाइस आप जब अपने बालों को इतना केयर देते हो तो गाइस उस मतलब कि जो प्रॉपर एक मतलब शैम्पू का काम करेगा और कंडीशनर का काम करेगा। तो गाइस आप उस हिसाब से खरीदो, एक प्रोडक्ट लो जिससे आपका बाल मतलब कि आपको ज़रूरत है आपके बालों को, वो प्रोडक्ट खरीदो और यूज़ करो। तो नंबर थ्री पे आता है स्टे अवे फ्रॉम हेयर ड्रायर। देखिए ये बहुत बड़ी गलती है कि आप क्या करते हो, आपके अगर बाल थोड़े से मतलब ड्राई हैं तो आप उसके क्या करते हो, ड्राई कर देते हो, बट वो थोड़े समय के लिए अच्छे लगते हैं, बट मतलब कि फ्यूचर में वो और भी ड्राई हो सकते हैं, मतलब कि बालों को कमज़ोर बनाता है हेयर ड्रायर। देखिए मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, हेयर ड्रायर से दूर रहोगे तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। और देखिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हेयर ड्रायर है तो ही आप यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आपके पास थोड़े चीप हैं तो भाई उससे दूर रहो। तो नंबर फोर पे आता है लैशेज मोर। देखिए आपके बालों को आप एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना चाहते हो भाई, जो प्रोडक्ट्स आते हैं हेयर प्रोडक्ट्स उससे दूर रहो, बहुत ही कम लगाओ। अगर कोई फंक्शन या फिर इवेंट है तो आप लगाओ, वरना ऐसे ही मत लगाओ डेली। तो गाइस नंबर फाइव पे आता है मेंटेन ए हेयर कट। हमेशा ही एक सा हेयर कट करते रहो। अगर आपको मतलब कि आपके बाल लंबे बाल अच्छे लगते हैं तो लंबे बाल ही रखो, अगर आपको शॉर्ट बाल अच्छे लगते हैं शॉर्ट ही रखो। आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके बाल वैसे ही ख़राब दिखेंगे। तो गाइस ये बात याद रखना, हमेशा ही एक कट मेंटेन रखो। तो नंबर सिक्स और लास्ट पे आता है वॉश हेयर प्रॉपरली। देखिए आप अपने हेयर में कितने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, बट वो कहीं नहीं जाता, वहीं बालों में रहता है। तो गाइस आपको हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू से अपने हेयर वॉश करना चाहिए सही से, और अगर आपका हेयर थोड़ा सा ऑयली है तो 2 से 3 बार करते रहो। अगर आपका हेयर ड्राई है तो हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हो, बट ज़्यादा शैम्पू आप यूज़ करोगे तो आपके बाल वैसे ही फिर से ड्राई हो जाएंगे। तो गाइस ये याद रखना, 2 से 3 बार अगर ऑयली है, अगर 1 से 2 बार अगर आपका बाल थोड़ा सा ड्राई है। तो गाइस सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय गाइस।